कहीं मेघासुर को जनार्थ ना कर दे, इससे पहले मुझे गरुड़ राज्य पहुंचना ही होगा। मेघासुर ये उचित नहीं है, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है, इसमें उनका क्या दोष जिन्होंने अभी तक जन्म भी नहीं लिया। यह अधर्म है, पाप है मेघासुर। अधर्म इस बालक ने किया है, इसका दंड तुम सभी को भुगतना होगा। विष्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब इन अंडों को नष्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना तुमने जटायु, कोई नहीं रोक सकता। विष्टर विकराल हूं मैं, नष्ट कर दूंगा तुम गरुड़ों के अंडों को। और गरुड़ों के कुल का अंत कर दूंगा। हमारे अंडों में हमारे संतानों का जीवन ही है। नष्ट कर देगा दुष्ट मेघासुर ने। हनुमान कहाँ हो तुम, शीघ्र आ जाओ। चले जात मारुति मति धीरा, हृदय समाहित जग की पीरा। जिनकी चिंता चिंतित हनुमन, उनके कट जाते सब बंधन। बाबली हनुमत की रुचि कर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे प्रभु, हमारे अंडों की रक्षा करना। विष और व्याधि के प्रभाव को दूर करने वाली हमारी गरुड़ी विद्या को इन नागों ने निष्प्रभाव कर दिया है। हम लाचार माताएं आपसे प्रार्थना कर रही हैं, हमारी ममता की लाज रखिएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे तुम्हारा विलाप सुनकर और आनंद आ रहा है। आज पूर्ण होगा नागों का प्रतिशोध। क्षण भर में मेघासुर तुम गरुड़ों के अंडों को निगलकर तुम गरुड़ों के कुल का भविष्य अंधकार में कर देगा। मैं इतनी सरलता से अपने कुल का नाश नहीं होने दूंगा। मुझे अपने कुल की रक्षा के लिए मेघासुर से मुझे लड़ने का अंतिम प्रयास करना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नहीं शनी, प्रजातंत्र से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं। आप पीछे जाइए। अब पाएगा इस क्रीड़ा में आनंद। कैसे उड़ोगे जटायु, तुम्हारी शक्ति तो मेरे पास है। आपसे कुछ नहीं छिपा, ये मेघासुर हमारे कुल का नाश करने पर तुला है। हमारी और पक्षी लोग की सहायता कीजिए महाराज।
अन्यथा मुझे ही जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा महाराज। हमारी रक्षा कीजिए। कौन करेगा रक्षा? मेरे विरुद्ध कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान करेगा महाराज जटायु की सुरक्षा। मेघासुर से हमारे अंडों की रक्षा करो। हनुमान, हम निराश हो गए थे। हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हनुमान, हनुमान हमारी रक्षा कीजिए। अब ये तुच्छ बालक करेगा मुझसे तुम लोगों की रक्षा। चतुर वानर बालक, अधिक शक्तिशाली हो गया है। ये क्या? दुष्ट मेघासुर ने तो हनुमान को भी हवा में उड़ा दिया और फेंक दिया। अब हमें कौन बचाएगा? जटायु, देखो, देखो, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान से तुम्हें अंतिम आस्थिना। मेघासुर ने अपने एक ही वार से उसको भी समाप्त कर दिया। विष्टर विकराल हूं मैं। भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके वाहन गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे विनाश को बचाइए। मेघासुर से हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचाइए। रक्षा कीजिए।
पुकार लो, पुकारना है जटायु, परंतु मेघासुर को अब कोई नहीं रोक सकता। गरुड़ महाराज, आपका कल्याण हो महाराज जटायु। यहां की दशा देखकर मैं अत्यंत विचलित हूं, परंतु मैं विवश भी हूं। मैं आपके पिता अरुण, शेषनाग और वासुकी वचनबद्ध हैं कि हम नागों और गरुड़ों के मध्य किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। परंतु महाराज, उस मेघासुर से अपने अंडों को बचाने के लिए कोई तो उपाय होगा। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने अंडों की सहायता कर सके। बताएं महाराज। महाराज जटायु, मैं आपको मात्र एक बार उड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता हूं, जिससे कि आप मेघासुर से गरुड़ों के अंडों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है महाराज। अपनी और अपने कुल की रक्षा कीजिए महाराज जटायु। मेघासुर, तेरा काल निश्चिंत है। महाराज जटायु पुनः उड़ सकते हैं। देखो, महाराज जटायु उड़ रहे हैं। महाराज जटायु उड़ रहे हैं। देखो, जटायु पुनः कैसे उड़ पा रहा है? महाराज जटायु उड़ रहे हैं। महाराज उड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। पुनः आ गया। ये कैसा षड्यंत्र है? रुक जाओ मेघासुर। रुक जाओ मेघासुर। जटायु महाराज पुनः उड़ पा रहे हैं। अवश्य ही दिव्य वरदान प्राप्त हुआ होगा इन्हें। प्रतीत होता है तुम दोनों को अपने जीवन से प्रेम नहीं, शीघ्र उससे मुक्ति पाना चाहते हो, परंतु मैं मेघासुर सर्वप्रथम इन अंडों को अपना आहार बनाने का इच्छुक हूँ। निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा।
नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि करल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुणों के एक तारण हारा, अचल अडिग के शरी कुमारा। इसीलिए इसका तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। उड़ते हुए शीघ्र कैसे मुड़ते हैं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। अब तो तुम महाराज जटायु और हनुमान से पराजित हो जाओगे। पकड़ में नहीं आओगे। ऐसा लग रहा है कि मेघासुर थक रहा है परंतु परास्त नहीं हुआ है। अब क्या करेगा वो? मुझे छकाया, अब भुगतो उसका परिणाम। अब तुम उन चट्टानों के नीचे विश्राम करो बानर, तब तक मैं अंडों को अपने उधर में समा लेता। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो। अब हमारे अंडों की रक्षा कौन करेगा? तुम कभी ना कभी तो मेरी पकड़ में आओगे, तब ये विष्टर विकराल तुम्हें किसी कीट की भांति मसल देगा। परंतु इन अंडों को तुम्हें अभी नष्ट कर सकता हूँ। अरे ये तो अंडे नष्ट करने जा रहा है, उनमें तो मेरे भी अंडे हैं। वो देखो महाराज के पंख जल रहे हैं। अब तो महाराज उड़ नहीं पाएंगे। ये आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। लज्जा आती है मुझे अपने आप को आपकी पत्नी कहते हुए।
क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आज एक वीर सेनापति चित्रकेतु कुलघाती बन गया? इनमें हमारे भी अंडे हैं। आपने अपनी ही संतानों का घात किया है। धिक्कार है मुझे। लोभ विवेक को हरने का कार्य करता है और लोभ का प्रकोप प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। लोभवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोषी हूं मैं आप सभी का, जिनके प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है वही आज अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और मैं असहाय खड़ा देखने पर विवश हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपने अपराधों का सुधार करना है। अब मुझ में जितना सामर्थ्य बचा है उसी से युद्ध करूंगा। मेघासुर, छोड़ दो महाराज जटायु को, मैं आ रहा हूं तुमसे युद्ध करने के लिए।